हेलो दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लिप बनाई थी जो कि जॉइंट स्पेन के ऊपर थी, तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपको बताया था SBL के ड्रॉप नंबर 8 थी और SBL ड्रॉप नंबर 6 थी और उसकी क्या बोलते हैं जो जर्मन थी वो थी R73। वो दोस्तों पेटेंट मेडिसिन थी जिसमें कि मतलब कई सारी दवाएं मिली होती हैं, कई डायल्यूशन और मदर टिंचर इस टाइप को मिला के बनाई होती है। बाकी एक चीज़ और आता है दोस्तों, जो कि डायल्यूशन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो दोस्तों ये एक बहुत ही इफेक्टिव डायल्यूशन है, ये खासकर इसको एक तरह का आप समझ लीजिए कि पेन किलर भी बोल सकते हैं रस्टॉक्स इसको। ये दोस्तों जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें आर्थराइटिस पेन होता है जगह जगह जोड़ में होता है, बाकी उसके अलावा कहीं से हमारा पैर बहुत दर्द से एकदम भारी हो गया है, बिल्कुल एकदम लग रहा है दर्द से मेरा पैर फटा जा रहा है, उस पोजीशन में भी हम ले सकते हैं। बाकी स्किन में जैसे रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं उस केस में भी ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं, एक दो और है लेकिन मेन ये मान के चलिए कि जैसे आप कहीं से आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान है, आप जो है ये ले सकते हैं रस्टॉक्स। ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ज़्यादातर जो भी आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि आपको सर में दर्द है ये सब टाइप का है, तो 90% उम्मीद होती है डॉक्टर आपको रस्टॉक्स देते हैं। तो रस्टॉक्स का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है होम्योपैथी मेडिसिन में, आप इसको घर में रख सकते हैं जब आपको लगे कि सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, दोस्तों इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं रस्टॉक्स को। और कोशिश ये करिए दोस्तों कि जो पोटेंसी लीजिए वो 30 CH तक लीजिए, उससे ऊपर नहीं लीजिए तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव होगी। वो सबका अपना अलग अलग हुआ है, लेकिन मैंने पहले 200 CH मंगाया फिर उसके बाद मैंने 30 CH यूज़ किया तो ठीक रहा, तो इसलिए आप भी जो है 30 CH यूज़ करिए, वो ज़्यादा सही है। और बाकी ये है दोस्तों मेन जो है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी का पेन किलर है रस्टॉक्स। तो ये दोस्तों अब ये एलोपैथी की तरह नहीं होगा, बहुत दर्द है आपने खाया एक घंटे दो घंटे और आपको लगा बिल्कुल ठीक होगा, फिर जब 10-12 घंटे बाद मेडिसिन का असर ख़त्म होगा तो फिर देखा जाएगा। ये दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको मतलब मान लीजिए कि प्रॉब्लम रह रहा है, पैर में दर्द रहती है, तो आप इसको वही दिन में 2-3 बार लेना शुरू करिए, इसको आप 20-25 दिन 100 दिन तक लेते रहिए, इससे ये हो जाएगा दोस्तों कि ये उस प्रॉब्लम को फिर जड़ से ख़त्म कर देना। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स, इसको घर में ज़रूर रखिए आप। कभी भी किसी को रात में कान में दर्द हो रहा है उसको जो है रस्टॉक्स पिलाइए। और इसके अलावा भी दोस्तों और भी एक दवा है जिसको कहते हैं आर्मी का मोनटाना, वो भी पेन किलर है, आप उसको भी रख सकते हैं। किसी को पेन हो रहा हो सर में, कान में, पैरों में, हाथ में, तो आप उसको रस्टॉक्स या आर्मी का मोनटाना, ये दो डायल्यूशन है दोस्तों, इन दोनों में कोई एक रख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रखता हूँ क्योंकि पेटेंट तो है ही है, बाकी उसके अलावा कभी कभी होता है कि रखे रहते हैं, कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसको ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये दो मेडिसिन का आप ध्यान रखिएगा, इन दो दवाओं को आप दोनों में एक ज़रूर रखिएगा और इसका यूज़ करिए आप जब भी कभी आपको लगता है कि दिन भर बाइक चलाने के बाद बिल्कुल बदन में भी भारी सी हो गई है, पैरों में दर्द है, तो आप आके रस्टॉक्स ये 2-4 दिन जबान में टपका दीजिए, आपको थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल एकदम मेरा बदन एकदम हल्का हो गया, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन है। आप जब इसी काम के लिए आप मान लीजिए एलोपैथी में जाते हैं तो आपको नेंगू स्लाइड हो गई और ऐसी क्रोट नेक हो गए और बाकी जो है और मेडिसिन आती हैं, अब इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो नाम नहीं आ रहा उनके ज़बान पे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन दोनों मेडिसिन के बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।